भाइयों बहनों, में एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था, और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का, फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारी की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति नहीं है, फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। ये सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अपनी पार्टी की सरकार चार चार बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात को कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। प्रदेश के अंदर बंद हो गया है, आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है, और वो सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था, कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे, और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी, बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है, आज बिना किसी लॉन्ग लपेट के नौकरी मिल रही है, और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे।